नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बोआओ फोरम फॉर एशिया के बारे में क्योंकि अभी हाल ही में बोआओ फोरम फॉर एशिया की एनुअल कॉन्फ्रेंस 2021 आयोजित हुई है देखते हैं बोआओ फोरम ऑफ एशिया या बोआओ फोरम फॉर एशिया की एनुअल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हेल्ड हुई है और बोआओ फोरम फॉर एशिया क्या है देखते हैं बोआओ फोरम फॉर एशिया की जो एनुअल कॉन्फ्रेंस है वो हेल्ड हुई है बोआओ इन चाइना याद रखना है बोआओ इज इन चाइना थीम क्या थी इस बार बोआओ फोरम फॉर एशिया एनुअल कॉन्फ्रेंस 2021 की थीम थी अ वर्ल्ड इन चेंज ज्वाइन हैंड्स टू स्ट्रेंथन ग्लोबल गवर्नेंस एंड एडवांस बिल्ड एंड रोड कॉपरेशन थीम याद रखना है बोआओ चाइना में आयोजित हुई है बोआओ फोरम फॉर एशिया एनुअल कॉन्फ्रेंस 2021 अब देखते हैं बोआओ फोरम फॉर एशिया है क्या बोआओ फोरम फॉर एशिया इज अ नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन द ईयर टू थाउजेंड फोरम फॉर एशिया एक नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फाउंडेशन हुआ है 2001 में पर्पस क्या है बोआव फोरम फॉर एशिया का बोहाओ फोरम फॉर एशिया इज कमिटेड टू प्रमोटिंग रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन एशिया इट आल्सो एम्स एट ब्रिंगिंग एशियन कंट्रीज इवन क्लोजर टू देयर डेवलपमेंट गोल्स याद रखना है पर्पस बोआव फोरम फॉर एशिया का है ये कमिटेड है टू प्रमोटिंग रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन एशिया इट आल्सो एम्स एट ब्रिंगिंग एशियन कंट्रीज इवन क्लोजर टू देयर डेवलपमेंटल गोल मेंबर्स कौन कौन से हैं ट्वेंटी नाइन पार्टिसिपेंट कंट्रीज इंक्लूड इंडिया इंडिया भी पार्टिसिपेटिंग कंट्री है बोआओ फोरम फॉर एशिया में अदर कंट्रीज कौन सी हैं चाइना ऑस्ट्रेलिया जापान इंडोनेशिया बांग्लादेश ईरान नेपाल और भी कुछ कंट्रीज हैं <laughs> यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि इंडिया भी एक पार्टिसिपेटिंग कंट्री है बोआओ फोरम फॉर एशिया में और इसके एनुअल कॉन्फ्रेंसिस हेल्ड कहाँ होते हैं ये भी देख लेते हैं देखिए बोआओ फोरम फॉर एशिया होल्ड्स इट्स एनुअल कॉन्फ्रेंस इन बोआओ इन हैनान चाइना ऑन अ रेगुलर बेसिस ओके सो इसके एनुअल कॉन्फ्रेंसेस बोआओ में होते हैं बोआओ है इन है नॉन प्रोविंस इन चाइना और सिग्निफिकेंस क्या है बोआओ फोरम का बोआओ फोरम इज मॉडल्ड आफ्टर द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेल्ड एनुअली इन दावोस स्विट्जरलैंड सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द दावोस ऑफ ईस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पूछा जा सकता है कि विच फोरम इज नोन एज द दावोस ऑफ ईस्ट सो आपको याद रखना है बोआओ फोरम फॉर एशिया और बोआओ फोरम फॉर एशिया इज मॉडल्ड आफ्टर द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेल्ड एनुअली इन दावोस स्विट्जरलैंड एंड बोआओ फोरम इज ऑल्सो कॉल्ड एज द दावोस ऑफ ईस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ मिलेंगे चाइना में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसको आप याद रखिएगा कि बोआओ फोरम इज मॉडल्ड आफ्टर द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेल्ड एनुअली इन दावोस स्विट्जरलैंड सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज दावोस ऑफ द ईस्ट सो दावोस ऑफ द ईस्ट किसको कहा जाता है बोआओ फोरम को कहा जाता है बोआओ फोरम क्या है बोआओ फोरम एक नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया भी इसमें एक पार्टिसिपेटिंग कंट्री है सो दिस वॉज अ वीडियो रिलेटेड टू बोआओ फोरम फॉर एशिया ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग